तो शहीद औरंगजेब को आज नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। पुंछ के सलानी गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। सेना ने बंदूकों की सलामी दी और सलानी के इस वीर शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, अपने वीर सपूत को विदाई दी। शहीद औरंगजेब अमर रहे के नारे लगाए गए। औरंगजेब के पिता ने एक बार फिर बेटे की शहादत का बदला लेने की मांग की। सेना के अधिकारियों से औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ ने कहा कि कश्मीर इंसान को खा रही है, कश्मीर को कोई नहीं खा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा बहादुर था, देश के लिए कुर्बान हुआ है। शहीद औरंगजेब 44वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे, देश के लिए कुर्बान हुए तो उन्हें अंतिम विदाई भी पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई। शहीद औरंगजेब को अंतिम विदाई देने के लिए सिर्फ उनके गांव के ही लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, बल्कि आसपास के गांवों से भी हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि और अंतिम विदाई देने के लिए सलानी गांव पहुंचे थे। शहीद औरंगजेब का पार्थिव शरीर जब शमशान पहुंचा तो पूरे सलानी गांव शहीद औरंगजेब अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शहीद औरंगजेब अमर रहे, अमर रहे। शहीद औरंगजेब अमर रहे, अमर रहे। आजाद हिंदुस्तान। और शहीद औरंगजेब की पत्नी ने जी न्यूज से बात की, अपना दर्द बांटा। औरंगजेब की पत्नी ने कहा कि पति के जाने का, बेटे के जाने का गम तो है, लेकिन शहादत पर गर्व भी है। हमारे साथ शहीद औरंगजेब की बेवा शाहीन है। शाहीन जी, आपके पति जो है देश के लिए शहीद हो गए, कितना आपको उनकी शहादत के ऊपर गर्व है, क्या चाहती हैं? मेरे पति शहीद तो मैं गर्व है और दुख भी बहुत है। मेरे पति हमें छोड़ के चले गए, मैंने जो भी और उनका बदला लिया जाए मेरे पति का। मेरे पति को मारा है, वैसे उन्हें भी नोट कर मार दिया, भी बदला ले मेरे पति का। कितना गर्व है उनकी शहादत पे, देश में बहुत गर्व है मुझे अपने पति पे, मुझे अपने पति पे बहुत गर्व है। शहीद औरंगजेब की विधवा शाहीन, उनका कहना है कि उन्हें अपने पति की शहादत पे गर्व है, उनके अपने पति की शहादत पे गर्व है, लेकिन उनका भी यही कहना है जो पूरे गांव वासियों का कहना है कि बदला, बदला आखिर कब ये बदला लिया जाएगा, उनकी शहादत का बदला लेना चाहिए। कैमरामैन मानी के साथ राजू केरनी, जी मीडिया, सलानी गाँव। तो आंसू थम नहीं रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब की पत्नी हो, चाहे उनके पिता हो, चाहे उनकी माँ हो, शहीद औरंगजेब का पूरा परिवार गम में है। लेकिन परिवार का हौसला टूटा नहीं है। औरंगजेब के छोटे भाई का कहना है कि वो भी सेना में भर्ती होगा। मुझे बहुत बड़ा दुख है, क्या होता है, कश्मीर इंसान को खा रही है, कश्मीर को किसी ने दिखाया। मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी हजारों बेटे वहां कुर्बान हो गए, मौत की गाड़ से उतारे गए, लेकिन बिना हथियार के उसको काटा गया, हथियार नहीं था, लड़के मर गए तो मुझे कोई दुख नहीं। मुझे दुख है चीज का, आज तक कश्मीर डिफेंस हाथ बढ़ाती है और स्टेट पीछे कर लेती है, दरख्त लगा फट जा रहा। मैं नहीं पहुंच सकता, मैं खुद बदला लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लेकिन मैं आप जो है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये आखिरी बात है, मुझे आने वाले 32 घंटे के अंदर कश्मीर में जो लटेरे हैं, अगर डिफेंस हाथ में रखते हैं, स्टेट बोलती है मेरा पर्दा रुक जाए, मेरी कश्मीरियों का उनका पर्दा, में कश्मीर हमारी है, उसको आग नहीं लगानी, आग कश्मीर को नहीं लगानी, बल्कि जो कश्मीर में गुंडे घुसे हुए उनको बाहर निकालना है, बिल्कुल उनको बाहर निकालना है। अगर किसी का पर्दा उठ जाए, अगर मेरे पर्दे को उठा रहे तो मुझे उठाने में उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ जात पात की बात नहीं है। अगर पाकिस्तान वो अपनी जगह बैठा है, बदला पाकिस्तान को कश्मीर भी कर रहा है और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ, अगर उसका आता है उसको पीछे हट जाने दीजिए, बेशर्म होकर लगा हुआ है, नुकसान कर रहा है हमारा देश का, नुकसान कर रहा है। मुझे दुख है इस चीज का कि मैं और कुछ नहीं कहूंगा,
मैं जो ऊपर नेता बैठे हैं, जो कश्मीर के अंदर नेता बना के बैठे हैं, ये अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं और दुनिया को मरवा रहे हैं। इन नेतों को हटा जाओ यहाँ से। नरेंद्र मोदी का नहीं फैसला कर सकता, हम इसका फैसला कश्मीर में झंडा पाकिस्तान का कैसे लगता, हमारा झंडा क्यों नहीं लगता? हमारा हिंदुस्तान का झंडा लगना चाहिए, पाकिस्तान का लगना चाहिए। हम हैं आपके साथ, ठीक है, हम हैं, बिल्कुल हैं। और ये आप ये कभी मत सोचो कि हम जो है इसको इसको नहीं जाएंगे। मेरे पलटन के जो सारे जवान हैं वो औरंगजेब, समझ में आ रहा है? बहादुर, मेरा बहादुर है ना, देश के लिए, देश के लिए जान दी ना, देश के लिए कुर्बान हो गए। बिल्कुल, मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा बड़ा बेटा, हम सब कुर्बान हो जाएंगे। बिल्कुल, ये भी फोर्स के अंदर है ये। अच्छा, इंजीनियर बम्बे इंजीनियर के अंदर है ये, कट्ठे छुट्टी आ रहे थे, ईद घर में बनाए गए, लेकिन जालिमों ने नहीं बनाने दिए। हम सब आपके बेटे हैं, ठीक है, हम सब आपके बेटे हैं। लेकिन मुझे दुख है, ये भी महंगा बीच सेने में भर्ती होना चाहता हूँ, उस जगह अपनी पोस्टिंग करूँगा तो उस उन आदमी को मारूंगा, बदला चाहिए हमें, मैं पाकिस्तान से ही बदला चाहिए और उन मिलिटेंटों से ही बदला चाहिए हमें, मैं उसको उन मिलिटेंटों को छोड़ूंगा नहीं, मारूंगा। घर में मातम छाया, आज बड़ा ईद का दिन है, वो बोल रहा था तेरे लिए एक गाड़ी लूँगा और मोबाइल भी ला कर लेकर दूँगा, तो 10th अच्छे नंबर लेकर पास होना, मगर उन जालिमों ने उसको छोड़ा नहीं। मैं उनसे ये भी कहता हूँ कि मैं उधर आकर उनको मारूँगा, वो सेना में भर्ती होकर उधर ही अपनी पोस्टिंग करूँगा, उसी जगह जिस जगह औरंगजेब भैया थे हमारे, उसी जगह उनको भी मारूँगा। शहीद औरंगजेब की मां ने भी आतंकियों से अपील की थी कि वो उसे छोड़ दें, वो उसके साथ ईद मनाना चाहती हैं, लेकिन आतंकियों ने औरंगजेब को नहीं छोड़ा, छोड़ा तो गोलियों से छलनी उनका शव। शहीद औरंगजेब को हमारा सलाम, हमारा नमन।